वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्त। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 मीटर 2 कॉटन और नेट फैब्रिक्स लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस, हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 12 इंचेस और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 1.5 इंचेस और हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने टॉप का बैक साइड कट कर लिया है और टॉप का फ्रंट साइड हमें यहाँ पे कट करना है। तो फैब्रिक के ऊपर बैक का पार्ट हमें सीधा रखना है और यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। आर्म होल हम एज इट इज़ मार्क करेंगे और नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर मार्क कर लेनी है। वापस आर्म होल को मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच डाउन तक हमें मार्किंग करनी है। लेंथ हम मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच लेंथ रखते हुए और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने फ्रंट का पार्ट हमने कट कर लिया है और इसे अच्छे से 2 फोल्ड करना है और नेक पार्ट की लेंथ हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी है। तो 2 इंचेस पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। फ्रंट का टॉप का फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है और यहाँ पे इस फैब्रिक को सीधा रखना है और इसके ऊपर सीधा रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने टॉप के फ्रंट साइड के पैटर्न के लिए स्ट्रिप्स हमने कट कर ली है। दोनों पार्ट्स के लिए यहाँ पे बेस फैब्रिक हमें कट करने हैं। तो पार्ट को बेस फैब्रिक के ऊपर सीधा रखना है और एज इट इज़ हमने इसे कट कर लिया है। दोनों फैब्रिक के ऊपर हमें इसे उल्टा रखना है और आर्म होल में और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारा बैक का पार्ट है, इसे 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर पर हमें 4 इंचेस डाउन तक कट लगाना है बैक साइड के लिए और हमें सिलाई करनी है दोनों पार्ट्स में। तो देखिए, हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे अब हमें हल्के हल्के हाथों से नोचेस लगाने हैं जहाँ भी हमने सिलाई की है वहाँ पे। और नोचेस लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो देखिए, हमने फ्रंट और बैक को राइट साइड में टर्न कर लिया है। एक को राइट रखते हुए दूसरे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर हमें अटैच करना है इस तरह से। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमें पैटर्न करनी है। तो 6 इंचेस की यहाँ पे हम प्लीट्स रेडी करेंगे। इस तरीके का रेक्टेंगल पीस हमने कट किया है जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 15 इंचेस और लेंथ हमने ली है 21 इंचेस। तो यहाँ पे 6 इंचेस की हमें प्लीट्स रेडी करनी है। तो इस तरीके से हम 1 by 1 प्लीट्स लेते जाएंगे इस तरीके से और फ्रंट साइड पे हमें इसे अटैच करना है। बैक साइड की लेंथ को सिमिलर करते हुए तो इस तरीके से हमें प्लीट्स रेडी करनी है। प्लीट्स हमने रेडी कर ली है और
सिक्स इंचेस तक हमें इसे एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से 6 इंचेस लेंथ की यहाँ पे हमने प्लीट्स रेडी कर ली है और यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई करते हुए इसे फिक्स कर देना है। ये देखिए हमने प्लीट्स यहाँ पे फिक्स कर दी है और इसे हमें फ्रंट साइड पे अटैच करना है। इसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर उल्टा रखना है, ऊपर से सिलाई करते हुए इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने प्लेट्स यहाँ पे अटैच कर ली है फ्रंट साइड पे। टॉप के फ्रंट साइड को हमने पूरी तरह से डेकोरेट कर लिया है। दोनों पार्ट्स की लेंथ हमें सिमिलर रखनी है। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट्स के लिए हमने दो दो रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं प्लेन और नेट फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 23 इंचेस और नेट फैब्रिक की ब्रॉडनेस हमने ली है 54 इंचेस और लेंथ हमने ली है 17 इंचेस और 16 इंचेस। अपर ऑर्डर पे हमें बड़े नंबर की सिलाई करनी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचना है। पूरी ब्रॉडनेस में हम गैदरिंग करेंगे और फ्रंट और बैक के लिए बॉटम के पार्ट्स यहाँ पे हमें रेडी करने हैं। इस तरह से अपर ऑर्डर को अच्छे से मिलाना है हमें और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है वन बाय वन और हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और फ्रंट साइड पे हमें बेल्ट बना के अटैच करना है। तो इस तरीके का हमने फैब्रिक से स्ट्रिप्स कट की है जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 17 इंचेस और लेंथ हमने ली है 6 इंचेस। इस तरीके से रॉन्ग साइड पे 2 फोल्ड करेंगे, सिलाई करने वापस राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो देखिए हमने बेल्ट रेडी कर लिया है और फ्रंट साइड पे हमें इसे टॉप और बॉटम की जॉइंट है वहाँ पे सेंटर पे अरेंज करना है और इसके बाद फ्रंट और बैक को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है, एक के ऊपर दूसरा उल्टा रखना है और अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करेंगे। नेट और बेस फैब्रिक को हमें फिटिंग कर लेना है 1 इंच की गैप पे इस तरह से और बॉर्डर जो है इसे भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमें एक बो रेडी किया है हमने, जिसे यहाँ पे राइट साइड में हमें अटैच कर लेना है और इसी के साथ ये डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।